पाकिस्तान की फितरत से तो आज पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अब उसके सदाबहार दोस्त की हरकतें बिल्कुल पाकिस्तान की जैसी होती जा रही हैं। दरअसल पाकिस्तान में मौजूद चीनी राजनयिक ने एक बार फिर से अश्लील ट्वीट किया, जिससे पूरी दुनिया में बवाल मच गया। इस्लामाबाद स्थित चीनी दूतावास में सांस्कृतिक केंद्र के डायरेक्टर जैक हैकिंग ने ट्वीट में मिडिल फिंगर को दिखाया है। पूरी दुनिया में इसे अश्लील माना जाता है। आप खुद देखिए, चीनी राजनयिक ने अपने ताजा ट्वीट में इन दो इमेज को शेयर किया है। पहली तस्वीर में अंगूठे की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर में मिडिल फिंगर है। अब जरा नीचे देखिए, इस ट्वीट के कैप्शन में चीनी राजनयिक ने लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है कि हम अपने दोस्त के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, बल्कि दुश्मनों से ऐसे निपटते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ना कि आखिर ये अश्लील ट्वीट चीनी राजनयिक ने किसके लिए किया है। तो इस बात की पुष्टि उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिख कर दी कि PRC यानी ताइवान की स्थापना के बाद से चीन ने कभी किसी को युद्ध को उकसाया नहीं है और न ही दूसरे देश के एक इंच क्षेत्र को कब्जा किया है। चीन ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत जैसे विचारों की शुरुआत की, जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। शांति कायम है। इस ट्वीट के बाद पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है और जिस तरह से पाकिस्तान है, वैसे ही वहाँ के चीनी राजनयिक व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा लोग ट्वीट करके लिख रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी यूजर्स का कहना है कि जिस आदमी को चीनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में रखा गया है, वो हमारे देश में अश्लीलता फैला रहा है। तो वहीं कई लोग ने चीनी राजनयिक का समर्थन भी किया है। इससे पहले भी इसी चीनी राजनयिक ने हिजाब को लेकर एक असभ्य ट्वीट किया था, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया था। पाकिस्तान में न सिर्फ धार्मिक पार्टियां, बल्कि वहां के लोगों ने इमरान खान से इसकी शिकायत की थी। लोगों ने साफ कहा था कि ये इस्लाम पर हमला है, इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन दुनिया भर में इस्लाम की ठेकेदारी करने वाले इमरान खान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था, यानी कि खुद को मुसलमानों का नेता घोषित करवाने के लिए दुनिया भर के चक्कर काट रहे इमरान खान की पोल उसी वक्त पूरी तरह खुल गई। चलिए अब आपको बताते हैं वो ट्वीट जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया था। दरअसल पाकिस्तान में स्थित चीनी दूतावास के काउंसलर और डायरेक्टर जैंग ने चीन के मुस्लिम बहुल सिनजियांग की एक लड़की के डांस का वीडियो ट्वीट किया था। इस ट्वीट के कैप्शन में जैंग ने लिखा था, अपना हिजाब उठाओ, मुझे तुम्हारी आंखें देखने दो। इसके बाद जैंग ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन के अधिकतर लोग सिनजियांग के इस गाने को गाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।